खरसाङ देउराली समष्टिको चिम्नी क्षेत्रमा हर्टिकल्चर विभागको तर्फबाट 47 जना कृषकहरूलाई पोली हाउस किट्स वितरण गरिएको छ। यसमा 40 जना चिम्नी क्षेत्रका कृषकहरू र 7 जना खरसाङको गिद्ध पहाड क्षेत्रका कृषकहरूलाई हर्टिकल्चर विभागको दार्जिलिङ जिल्ला हर्टिकल्चर अफिसर देवजित बसाक, विभागीय एमओडी सभासद प्रणाम रसाइली र खरसाङ देउराली समष्टिको सभासद श्याम शेर्पा र अन्यको बाहुलीबाट वितरण गरिएको छ। यस पोली हाउस वितरण कार्य विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै हर्टिकल्चर विभागको एमओडी सभासद प्रणाम रसाइली, क्षेत्रीय सभासद श्याम शेर्पा, विभागीय अधिकारी देवजित बसाकले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, र विशेष गरी आज जुन प्रकारले पोली हाउसबाट यो 40 वटा हाम्रो चिम्ले देउराली थियो भने 7 वटा हाम्रो गिद्धे एरियाको बेनिफिसियरी पाएको छ र यो जुन प्रकारले पाउनमा हाम्रो टिम जुन प्रकारले काम गरे हाम्रो श्याम शेर्पाज्यूले दिएको टिमले अघि र यो टिमको परिणामस्वरूप आज हामीले पाइरहेका छौँ र यहाँको फार्मरहरूको पनि एकदमै राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन आइरहेको छ। किनभने योभन्दा अघि हामीले गिद्धे अफिसमा उहाँलाई बोलाएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँहरू आएको थियो र आजको यसमा एकदमै राम्रो आयो र विशेष गरी म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो बिएचओ देवजी सरलाई, सँगसँगै हाम्रो अति आदरणीय सोनाम सरलाई र हाम्रो अनित थापाज्यू जिटिए चिफ। किनभने खरसाङको निम्ति एउटा नयाँ चिज के भएको छ भने हर्टिकल्चर अफिस थियो पहिला, यहाँ एकजना स्टाफ बस्थ्यो र बिचमा यो कुरो हराएर गएको थियो, तर अब चाँडै नै किनभने उहाँको नाम म भएकोमा आइसकेको छ, सोनाम सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदैछु। दुईजना स्टाफ गभर्मेन्ट स्टाफ अब हाम्रो खरसाङ हर्टिकल्चर अफिस स्थापित गरेर गिद्धे अफिसमा हामीले त्यो सेट मिलाइरहेको छ र त्यहाँ हाम्रो दुईजना हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट बस्दैछ र जति पनि हाम्रो फार्मरहरू छ यस क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँहरूलाई हामीले गिद्धे अफिसबाट अब सुविधा दिन हामी सक्षम हुनेछौँ। र यो जुन प्रकारले अब यो सभासदको माने खटनीमा पनि डिपेन्ड छ, अरू सभासदहरू पनि खटिरहेको छ, श्याम शेर्पाज्यू पनि खटिरहेको छ, उहाँ यो कुरोमा निरन्तर लागिरहेको छ के गर्नुपर्छ कसो गर्छ। किनभने यो कुरो गर्दा हेर्नु चाहिँ जबसम्म हामीले एउटा टिम पाउँदैन तबसम्म यो कुरोलाई अघि बढाउनु साह्रो पर्छ र टिम अध्यक्षज्यूले भन्छ नि टिम चाहिँ पार्टी हेर्ने होइन काम गर्ने हेर्नेलाई छ भने चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर, त्यस्तो टिम यदि हामीले पायौँ भने हामी अन्य क्षेत्रमा पनि अझ हर्टिकल्चर काम गरेर जान सक्छौँ। तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ यसमा मैले भने यसमा पार्टीको रङ धर्म यो अलग कुरो हो, यो पाउने हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्दैछ नि यो पालिको सहुलियत सरकारलाई होइन आवश्यकतालाई हो र जुन जुन फार्मरहरू छ गएर तपाईँहरूले सोध्नु यसमा पार्टी रङ यो कुरो कुनै हुँदैन, किनभने हामी अहिले डिपार्टमेन्टमा छौँ, सरकार चलाउँदैछ, सरकार चलाएपछि पार्टी जाति हेर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई सोझै अनित थापाज्यूले यो कुरो डिपार्टमेन्टमा पनि भनिसकेको छ नि यो कुरो हामी एमओडीलाई पनि भनिसकेको छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो अहिले जमिनको पट्टा हुनेले गर्दैछ भने टी गार्डन क्षेत्रको लागि पनि हामीले बात गरिसकेका छौँ र टी गार्डन म यो मेसेजद्वारा पनि भन्न चाहन्छौँ, यदि टी गार्डनमा कोही पनि हर्टिकल्चरमा इन्ट्रेस्टेड छ, कोही पनि ठुलो जग्गामा खेतीपाती गर्छ भने उहाँले टी गार्डनबाट म्यानेजरकोबाट एनओसी दियो भने हामी त्यो कुरालाई अघि बढाउँछौँ, किनभने अहिले एनओसी दिएको फार्मरहरूको नाम एन्ट्री गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। बसाके मेरा एक साल हो गया है, एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, मैं दार्जिलिंग में आया हूँ। पहले आते ही मैंने देखा कि इधर पे पहला उतना हॉर्टिकल्चर में उतना वो नहीं था, फिर आके डिपार्टमेंट के साथ बात करके हमने जितना कोशिश किया, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स इंचार्ज के रूप में अभी यहाँ पर आया हूँ। आज हमने यहाँ पे चिमनी दौरे मिला के 47 हमने रिया पॉली हाउस की हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि मैंने अपना स्पीच में भी बोला था, ये डिपार्टमेंट अपना 50% कंट्रीब्यूशन इस किट्स के रूप में दे रहा है, बाकी 50% फार्मर का कंट्रीब्यूशन जो कि अपना श्रम, अपना मेहनत, अपना लेबर, अपने बांस लगा के वो ये खड़ा करने में वो लगाएगा। जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, हमारा हॉर्टिकल्चर का जितना भी स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मर कैसे बिजनेस में लाया जाए। बिजनेस करने से क्या होगा, पैसा रोल होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें हमारा देश का, इस क्षेत्र का ही नहीं हमारा देश का भी और जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ मुड़ेगा। जो अब सेल्फ डिपेंडेंस जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत सारा नुकसान में गया था, तो वहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होता फार्मर लोग का, तो आज हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। तो इसी चीज़ को और एम्पावर करने के लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ एपीआई एंड हॉर्टिकल्चर तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कल्टीवेशन ज़्यादा हो, ताकि फार्मर का प्रोडक्शन और पॉकेट का फिनेंशियल जो पावर है वो भी और इंक्रीज़ हो। हम लोग एक कोशिश, एक तो लिटरेचर हम लोग बना रहे हैं, एक हैंडबुक जैसा, मैनुअल जैसा बना रहे हैं जो कि नेपाली में ट्रांसलेटेड होगा,
और साथ में आप हम लोग एक वीडियो भी हम लोग शेयर करेंगे ताकि फार्मर जिसका नाम ही है DIY पॉली हाउस, डू इट योर सेल्फ पॉली हाउस, वही डू इट योर सेल्फ पॉली हाउस वो खुद ही कर सकेगा वो अगर मैनुअल और वीडियो देखेगा तो। ये इसके लिए हम लोग 15 दिन का, अभी जितना भी उपभोक्ता है बेनिफिशियरी है सबको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर कोई सिंसियरली इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगाएगा तो 3-4 दिन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर भी हम लोग क्योंकि सुविधा असुविधा को देखते हुए हम लोग 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के बाद हम MOD साहब सभासद जी को साथ में लेते हुए हर एक जो फार्मर को मिला है उसका कंडीशन हम लोग देखेंगे ताकि हम लोगों की पता चले यहाँ का एक्चुअल सुविधा असुविधा क्या है, अगर किसी का नहीं हुआ तो किस कारण नहीं हुआ वो भी पता फ्यूचर में हम लोग देख पाए। इसके लिए हमने पहले ही बोला हम लोग एक मैनुअल हम एक ही दो दिन में हम लोग सर्कुलेट कर देंगे सब फार्मर में, साथ में एक वीडियो भी जारी करेंगे ताकि उन लोगों को ये जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, वो खुद ही जोड़ पाएगा वो देखिए है ना। देखिए अगर किसी को पता नहीं, इसके लिए हम लोग एक चीज सोच रहे हैं कि मान लीजिए एक गांव में 3-4 आदमी वो सीख के बनाया, वही 3-4 आदमी बाकी जो जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको हेल्प कर सकता है ना उधर जाके। तो ये करते हुए क्योंकि जैसे कि सभासद जी ने बोला खुद को आपस में हेल्प हाथ का हेल्पिंग का हाथ जब बढ़ाएगा तब आप वो अपने आप ही सब कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। हम लोग डिपार्टमेंट का एक समस्या है, गंभीर समस्या ये है हम लोगों का मैन पावर इतना लो है कि पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर नहीं हूँ और नीचे के क्षेत्र में हम लोगों का कोई स्टाफ ही नहीं है। तो फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि अपना जो सहायता का जो हाथ है हमें हमारा MOD सर हमारा सभासद जी मेरी तरफ जो वो कर दे, इसी के लिए मैं ये सहूलियत फार्मर तक मैं पहुँचा रहा हूँ। दिस इज GTA हर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। आज हाम्रो 28% फेमिली देउराली समष्टिमा 47 जनाले यो हट हाउस पाउँदैछ है। र समष्टिको सभासद हिसाबमा म GTA हर्टिकल्चर डिपार्टको हाम्रो MLG सचिव पाना मोर्सेजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हर्टिकल्चर अफिसर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवादको पात्र अब हाम्रो GTA प्रमुख अनित थापाज्यू, उहाँको एउटा सोच विचारले गर्दाखेरि अहिले सबै क्षेत्रमा जस्तो यहाँ हर्टिकल्चर यहाँ मान्छेले खेतीपाती गर्छ उहाँहरूलाई यो सम्मान वितरण हुँदैछ है। र हामी समष्टि सम्पूर्ण समष्टिको तर्फबाट उहाँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। यसमा विशेष फर्स्ट यो लर्डमा चाहिँ तपाईँको चिम्ली तपाईँको सिमाना टार भन्छ है थर्ड माइल यो तिनवटाबाट र कतिजनाको चाहिँ पेपर फिक्सिङ नबुझाएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ सेकेन्ड लटमा हुँदैछ। र यो चिम्ली र सिमाना टार फटमाल पानी उहाँहरूले चाहिँ यो फर्स्ट लटमा पाउँदैछ। यो सामान आज पाउँदाखेरि उहाँलाई एउटा नयाँ ऊर्जा आइरहेको छ है। पहिला पनि खेतीपाती गर्थे तर पाउने जुन चाहिँ जानकारी पायो उहाँहरूमा एकदमै ऊर्जा थप ऊर्जा आएको छ र उहाँहरूले भविष्यमा अझै यो क्षेत्रलाई अगाडि लाने उहाँहरूको सोच छ, यसलाई चाहिँ एउटा आयको स्रोतै बनाउने सोच छ उहाँहरूको। दीपक तामाङ हो। अब हामी यसलाई बनाएर हामी अब यसलाई गर्छौँ, अब त्यसमा फाइदा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो अब हामी अनुभव पाउँछौँ। धन्यवाद चाहिँ म हाम्रो अनित अब के अरे हाम्रो चेयरमेनलाई म धन्यवाद दिन्छु र हामी 28 समष्टिको हाम्रो श्याम शेर्पाज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ल तपाईँहरू सबैलाई हामी आएर यो उयो गरिदिनु भयो आजको यो कार्यक्रममा हो सफलता गरिदिनु भयो तपाईँहरू सबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अब इच्छा त अब सबै कुरो अब त्यसमा कोपी होला है अब त्यसमा मोटर अब हुन्छ हुँदैन त्योहरू सबै म कोसिस गर्छु हट सब्जी चाहिँ अब यो पनि हुन्छ हजुर साग सब्जी नै रोप्छु हाम्रो अध्यक्षजीलाई नै दिन्छु धन्यवाद त अब है हजुर समष्टि सभासदलाई पनि अवस्थी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। लु त अब एकजना मिस्त्री त लाउनै पऱ्यो होइन अब लाएर अब बादमा के दिन्छ बर बिजन अब त्यही हिसाबले रोपिन्छ हजुर खुसी नै छु स्थानीय नै हो सञ्जीव गुरुङ म चाहिँ तपाईँ चैत्य पानी अप्पर चैत्य हुनुहुन्न हो मेन चाहिँ तेजमान तामाङ हो तपाईँले अब अहिले मैले तपाईँको त्यहाँ बारीमा अहिले फिलहाल पहिले हालेको छु हो तपाईँको मेथी सागहरू हालेको छु धनियाँ पत्ताहरू हालेको छु हो त्यसको लागि तपाईँले अब यो दिनुभयो धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई होइन भोलि दिनमा हामी त्यसमा अलिक अरू सब्जीहरू पनि हाल्न सक्छु होइन धेरै उन्नति गरेर हामी लान सक्छु प्रगति गर्न सक्छु हामी त्यसमा
हाम्रो सबैजना यहाँ परिवार जो जसले उहाँले ल्याइदिनु भयो उहाँलाई लागि धन्यवाद चढाउँछु है, किनकि अब उहाँको उहाँ पनि गभर्मेन्टबाट आउनुभएको उहाँले सबै घरमै लिएर दिएको धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिमलाई नै। हामी मेन चाहिँ हाम्रो अनित थापाजी हुनुहुन्छ हो अनि हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छु म तपाईँको हजुर हाम्रो सभासद हुन्छ नि यहाँ श्याम शेर्पाज्यू हुन्छ उहाँ हुन्छ देख्न इम्पोर्टेन्ट है बाद में ये नहीं होना है कि ये मुझे ये नहीं मिला, आप लोग खुद का सामान का जिम्मा आप लोग खुद से लीजिए तो फिर आपको ही सुविधा होगा। तो क्या क्या मिलेगा एक सेट में एक किट में क्या क्या आएगा वो चीज़ पहले आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये मिलेगा ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन होगा, मतलब जो भी है आपका टंकी वगैरह जो भी है उससे ये इसमें आएगा। अब इसके साथ क्या क्या जुड़ेगा, ये आपका छोटा वाला पाइप जुड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस छोटे वाला पाइप में छोटा छोटा है तो इसीलिए उसको आपको चिपकाना पड़ेगा। तो चिपकाने के लिए पहला उसका आधार होना चाहिए, तो आधार के लिए है ये आपका क्लिप। एक बेनिफिशियरी को एक बंच ये क्लिप भी मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा क्लिप कैसा है, क्लिप है ऐसा ठीक है, यू शेप का है, जैसे वो चिपका रहा है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसको देख के भी आपको मालूम चलेगा इसको इसके अंदर कैसे घुसाना है। देखिएगा ये सांप की तरह ऐसे आप हिलाए तो एक सबको समझ में आ गया कि क्या क्या मिलने वाला है एक आदमी को ठीक है। इतना सारा किट आपको मिल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी सिर्फ आपका काम है ये सब जोड़ के इसका जितना पैसा बनता है इसका बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट ने आपको ये पहले से ही खुद से ही दे दिया। आपका काम सिर्फ है बांस या फिर काट का अरेंजमेंट करना। अगर किसी का जमीन में खड़ंग गुड़ूंग है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है तो उसको भरने का, पहाड़ का माटी सीधा नहीं होता है जैसे हमने सुना है, लेकिन आप अगर कुछ खास बोलिए उसके भीतर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्वालिटी एकदम गारंटी है कि अच्छा। इस समर करे कुछ कमाल, सेवन किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Job interview the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday, at Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. This program is brought to you by Selection Furniture. Ghar, office ya hotel, har furniture ka saathi. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ये वुडन फ्लोरिंग है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ 65 रुपीज ऑनवर्ड्स, 8 mm थिकनेस होती है, वाटर रेजिस्टेंस है। ये जैसे इसमें 20-25 कलर्स है, इसमें जैसे चार कलर्स हैं। वुडन फ्लोरिंग में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये विथ ग्रूव वाली डिजाइन है, ये विदाउट ग्रूव वाली डिजाइन है। इनमें सब में 5 कलर 6 कलर करके आते हैं। एक दिन में एक इंस्टॉलर एक रूम कंप्लीट कर सकता है आराम से। ये प्योर वुड फ्लोरिंग है, 1 inch थिकनेस में है, इसमें 1/2 inch थिकनेस की भी बनती है।
और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। कॉन्टैक्ट 6375847663, 9635871494। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Save Oak Road, Siliguri. Contact 9832011336.